170 ठीक है ना। मिथिला हाट का तुम रिव्यू कितना देना चाहोगे? रिव्यू कितना देना चाहोगी? 10 में कितना देना चाहोगी? कम से कम 8, 10 में 8, 170 रुपया में ठीक है। 170 में हमें क्या चाहिए? मिथिला हाट का मेन्यू देखिए दोस्तों, आ जाए हम मिथिला हाट। मिथिला हाट इतना सर दुख रहा है, हम कहीं जाने के लायक नहीं, इसीलिए कहीं जाते हैं। प्यास के बाद मतलब सूर्योदय तक ही चला सकते हैं, और इसमें 1 से 5 साल तक का बच्चा को फ्री है, 5 से 10 साल का हाफ टिकट लगेगा, और 10 से ऊपर फुल टिकट लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम दोनों भी अच्छे हैं। आज देखिए हम दोनों कहाँ आए हैं, कहाँ आए हैं जी? मिथिला हाट आए हैं घूमने के लिए। आप लोग भी आ जाइए, बहुत अच्छा लोकेशन है, देखिए चारों बगली का लोकेशन देखिए। पहले हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद आप सबको भी दिखाते हैं। धीरे धीरे देखिए वीडियो में आपको दिखाते हैं कैसे क्या है। पहले गेट के बाहर से आए हैं तो वहाँ वो रेस्टोरेंट है, वहाँ पर खाने पीने पानी उनी का सारा बंदोबस्त है। उससे आगे जा रहे हैं आप, अब देखिए क्या होता है। मेरे बेटा को देखिए, सिद्धू कहाँ जा रहा है तुम? ये देखिए बड़ा सा छट्टा, इसके नीचे देखिए गजब का है, कितना गजब लोकेशन है, कितना अच्छा है, बैठने का बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर, गजब छट्टा है जी। देखो ना क्या बेटा, ट्रेन गाड़ी हो जाएगा, चलो ना देखते हैं ट्रेन गाड़ी। अच्छा कहाँ जाएगा बताओ ना पहले, कहाँ जाएगा? चलो ना बैठ के। ये पेड़ हाँ, ये अजीब टाइप का पेड़ है, नहीं लग रहा है कभी, नीचे में भी मतलब डायली है, ऊपर में भी डायली है, जैसे लगता है कि प्लास्टिक का है, पर प्लास्टिक का नहीं है, रियल पेड़ है। हाँ रियल पेड़ है, नहीं लग रहा, हम तब से देख रहे थे कि प्लास्टिक का। क्या चीज़ का पेड़ है फ्रेंड्स, इस बताइए कमेंट करके, देखिए किस टाइप का पेड़ है। ऊपर में भी पूरा मतलब पौधा थी, पत्ता सब है, और नीचे बीच में खाली है, और नीचे में देखिए ये पेड़ तो पहली बार हम देख रहे हैं। चलिए आगे भी दिखाते हैं। साफ सफाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है मिथिला हाट में, बहुत बहुत सुंदर जगह है, मतलब अच्छा लग रहा है देखने में। मेरे बेटा को देखिए, बस एगो यही प्रॉब्लम है जी, धूप बहुत ज़्यादा है, नहीं दरभंगा राज है, मतलब मिथिला हाट का बहुत नाम सुने हुए हैं, सोचे एक मरते देख लेते हैं, मगर सच में बहुत सुंदर, ऐसा बात नहीं है, दरभंगा राज वैसा नहीं है, बहुत सुंदर है, देखते हैं। मतलब जो सब चीज़ का ख्याल रखा गया है इसमें, साफ सुथरा एकदम अच्छा से किया गया जी। ये क्या हो रहा है मिथिला हाट में, ये बाहर से भी मतलब अति अंदर आ सकता है, देखो ना वो सब आया थी करके, शमशान से आया हुआ है, हमको लगा कि सब अलाउ नहीं है, मगर फिर भी पता नहीं यहाँ का लोकल होगा इसलिए अलाउ होगा।
इतना गजब मगर बनाया गया है। रेस्टोरेंट कितना सुंदर बनाया गया है। यहाँ से भी गेट है। ये पेड़ तो देख के समझ नहीं आ रहा कैसा पेड़ है। ये क्या चीज है? मिथिला नौका शेर। यहाँ से टिकट होता है जी इसमें जाने का? कैसे कैसे टिकट है? 100 रुपये पर व्यक्ति है। मिथिला नौका शेर बोट शिकारा बोट 100 रुपये पर व्यक्ति 2 चक्कर और बोट राशि पैदल बोट 50 रुपये पर व्यक्ति। सूर्यास्त के बाद पैदल बोटिंग वर्जित है। सूर्यास्त के बाद मतलब सूर्योदय तक ही चला सकते हैं और इसमें 1 से 5 साल तक का बच्चा को फ्री है। 5 से 10 साल का हाफ टिकट लगेगा और 10 से ऊपर फुल टिकट लगेगा। हमारा फैन सब है बोलो। देखिए जूली को कह रहे हैं कि चलने के लिए उस पर बोटिंग करने के लिए। अच्छा चलो पहले हम घूम लेते हैं उसके बाद देखते हैं। आई गाड़ी गाड़ी कर रहा है, चलो देखते हैं। चलो पैडल बोटिंग है और प्लस मोटर वाला भी बोटिंग है। मेरे राज में भी है बोटिंग, वहाँ 50 रुपया लेता है। यहाँ पर मतलब यहाँ से वहाँ लेता है 50 रुपया, यहाँ लेता है 100 रुपया। मगर है कि कहीं दूर अथी है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब पोखरी में बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें। उसमें एक छोटा है इसलिए 50 रुपया लेता है। राज में बोल रहे हैं हम, म्यूजियम ये पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहली बार हम दोनों आए हैं मिथिला हाट घूमने के लिए, देखते हैं कैसा क्या होता है। अभी टिकट का पड़ा है इस पर व्यक्ति 40 रुपये पड़ा है, मतलब हम दोनों का 80 रुपये पड़ा है और 5 साल के 10 साल से ऊपर के बच्चा को टिकट लगता है। यहाँ पर इसका थी गिरी गया था, कब गिरी गया था, फूट गया था कब। जाते जाते बढ़ गए उठते उठ गया। कदी कर रहा है रे, गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं तुम। चलो देखो पुलिस सब है, पकड़ लेगा पुलिस रे, पुलिस से पकड़ लेगा। बदमाशी करता रहता है तुम, बड़ा बदमाश है। एक तो जिद किया आने के लिए, अभी घूम रहा है। कोई प्रोग्राम वोग्राम चल रहा लगता है। इसको टोपी खरीदा देते, धूप में घूम रहा है, गर्मी नहीं लगता है। हाँ अब अपना सब ऐसा जगह ऐसा वक्त में आए कि पूरा एकदम प्रशासन भरा हुआ है। कर कि पहली बार आए बेटा, ऊपर चलो, चलो ऊपर चलो। पानी गिरा रहा है देखो ना, दो बार हुआ। उस दिन सही से घूमने फिरने भी नहीं दिया ये बेटा रे। Okay.
वो वहाँ है ट्रेन गाड़ी, चलो ना हम तुमको दिखाते हैं। ये ट्रेन गाड़ी पर घूमेगा ये मेरा बदमाश बच्चा, बदमाश है रे, ट्रेन गाड़ी पर घूमेगा। कौन ट्रेन गाड़ी पर घूमेगा? कितना थी ध्यान रखा गया है साफ सफाई का, साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा गया है यहाँ। बैठने का भी बहुत ज़्यादा प्रबंध किया गया है, पूरे घाट को चारों बगली से कह रहे हैं, पूरे घाट को चारों बगली से एकदम बनाया हुआ है, एकदम ऐसा है बैठने के लिए दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा धूप जो है ना, चलो ना तुम्हारे लिए गाड़ी आ रहा है, देखो ना रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग चालू है। हाय दोस्तों, आ जाए हम मिथिला हाट। मिथिला हाट इतना सर दुख रहा है, हम कहीं जाने के लायक नहीं, इसीलिए कहीं जाते नहीं। कहीं भी जाती है ना इसका माथा में पता नहीं क्या हो जाता है, इसको गाड़ी भी नहीं, इसको गाड़ी भी सही से नहीं पसता है। और मेरा बेटा, मेरा बेटा ये जो है ट्रेन 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 देख लिया है, बच्चा वाला ट्रेन, और उसको घूमने का थी जिद कर रहा है कि हम घूमेंगे घूमेंगे। नहीं रे, इसमें पहले बोलो कहाँ घूमेगा? वो ट्रेन के पास घूमेगा। अभी सही से बोल भी नहीं पाता है, फ्रेश आवाज इसका नहीं है अभी। हाँ जी, ये अंदर में घुसने ही नहीं देता है, अंदर में जाने ही नहीं देगा। अंदर में घुस के कथी करो, कुछ है ही नहीं इसके अंदर में। इतना दूर घूम के आए हैं फिर भी जितना मजा राज में आता है कुछ भी नहीं। भंसाघर है, वही भंसाघर है। चलिए ना भंसाघर में फोटो, चलिए भंसाघर दिखाते हैं आप सभी को। मिथिला हाट का भंसाघर, एकदम गांव के तर्ज पर बना हुआ है। फोटो खींचे, चलो ना फोटो उधरों खींच लेंगे। बैलगाड़ी नहीं है ये, लगता है कि मतलब शो अप के लिए बन रहा है, ये शो अप के लिए बन रहा है। देखिए कितना बड़ा बैलगाड़ी, टांगा गाड़ी, शो अप के लिए है ना, रियल है, शो अप है ना, हम कहने शो अप के लिए बन रहा है, शो अप के लिए है जी, हमको लगा कि रियल है। देखिए कुछ समय के बाद एकदम रंगीन रंगीन गाड़ी दिखने को मिलेगा, अभी तो बन ही रहा है, यहाँ काम चल ही रहा है, पुराने तर्ज को बन रहा है, एकदम पुराना जो पहले समय में था ना उस टाइप का। चलो वह वहाँ है गाड़ी तुम्हारा, चलो अब हम तो भंसाघर के पास पहुँचने वाले हैं। देखिए वीडियो में तो बहुत देखे हैं भंसाघर, घास पर चलना मना है, यहाँ घास पर चलना मना है, घास पर नहीं चलने के लिए अलाउ नहीं है। भंसाघर दूर चलेंगे, देखिए भंसाघर कहाँ जा रहा बेटा सिद्धू? क्या खाना है? मिथिला हाट का तरह तरह का व्यंजन, पराठा बन रहा है, आलू पराठा, मकोई का, क्या पता वही जानेगी ना, क्या चीज का आटा है, मकोई का नहीं लग रहा, क्या चीज का आटा है,
मकई का नहीं है, बन नहीं रहा मकई का। कोई मक्के का आता है वो क्या? सतंजा बोले मक्का का रोटी। स्कूल से भी सब स्कूल से भी आया हुआ है घूमने के लिए। देखती हो क्या हुआ? पीला मक्का है ना? कुछ बनता है इसमें लगता है, कुटाता है बुझाता है, क्या चीज है क्या कुछ कुटाता है इसमें। इसमें मसाला रखा जाता है। और क्या बेटा मिथिला हाट का मेन्यू देखिए, लिट्टी चोखा दूटा शाम 4 बजे से 6 बजे 50 रुपया में, दूध बगिया। बगिया भी है जी, बगिया भी बिकता है, बगिया भी दिख रहे हैं। हाँ दूध बगिया, मखानक खीर है, ये सब शाम में मिलेगा। लस्सी मसाल छाछ कुल्हड़ चाय दही। और यहाँ है दही चूरा चीनी गुड़ अचार समेत तरकारी 120 रुपया है। और एक तरह रोटी मरुआ रोटी मक्का की रोटी समैया साग तीसी नून 120 रुपया है। दोपहरिया रातिक भोजन 499 रुपया में इतना कुछ मिलेगा, 499 रुपया में 349 में इतना कुछ मिलेगा, 270 में यहाँ मिलेगा। यहाँ वो गिलास देखिए कैसा, तांबा का था? पित्तल का तांबे होता है ना, तांबे का है, तांबा नहीं है, अंदर से स्टील जैसा ऊपर से तांबा जैसा रंगा हुआ है। ये लगता है ये पूरा तांबा फूल है। कौन फूल करी फूल चारों बगली एकदम कूलर लगा हुआ है, हो जाएगा। 60-70 किलोमीटर चला के आए हैं थोड़ा एकदम, ऊपर से धूप भी इतना ज़्यादा धूप है ना क्या बताएं, काम पसीना हो गया रोटी और क्या था जी। आया तो थोड़ा मिला आगे जाएंगे बाल मिला। जूली देखिए माजा पी रही है, अब बेटा भी पी रहा है। बेटा क्या पी रहा है? माजा पी रहा है, यही माजा के लिए इतना परेशान कर रहा था अग्निजन को। मिथिला हाट का खाना आ गया है 170 रुपया में, ठीक है 170 में क्या चाहिए। अभी पापड़ तिलौरी घी, अभी आने वाला है अचार दही घी पापड़ तिलौरी कचौरी तरुआ, ये सब आने वाला है। और इतना खाना आ गया है मतलब 170 रुपया में, ठीक है नहीं जी 170 रुपया ठीक है ना। मिथिला हाट का तुम रिव्यू कितना देना चाहोगी? रिव्यू कितना देना चाहोगी? 10 में कितना देना चाहोगी? कम से कम 8, 10 में 8। बदमाशी करेगा तो
यहाँ वो बच्चे का खेलने कूदने का भी अथी दिया हुआ है, देखिए बच्चे के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। पचास का टिकट पड़ता है। ट्रेन में बैठा है बेटा, ए पकड़ के रखो, गाड़ी चल दिया। ट्रेन पर घूमने के लिए बहुत परेशान कर रहा था, उस समय से हमको जो है कहीं जाने आने नहीं दे रहा था। गजब म्यूजिक चल रहा है मगर। उधर देखो ना, कपड़ा उपड़ा का दुकान है, चलो देख के आते हैं। यहाँ फोटो स्टूडियो भी है, फोटो खींचने के लिए। देखते हो यहाँ फोटो वोटो पूरा एकदम मौक सब मिलता है। चलो गोलंबर वाला पेड़ बना हुआ है, गजब लगता है। फवारा यहाँ पर है, अभी स्टार्ट नहीं है, चालू होगा तो अच्छा लगेगा। ये कैसा बांस का पेड़ है, ऐसा बांस का पेड़, डिजाइनदार बांस का पेड़ है। चलो चलो जा रहे हैं, चलो पिछला हाट घूम लिए हैं, अब जा रहे हैं घर। ये एग्जिट गेट है, यहाँ से यहीं से आना है और यहीं से जाना है। इसी के बगल में वॉशरूम है। पार्किंग जोन है यहाँ, पार्किंग जोन है यहाँ, टिकट कटता है। ये फ्रेंड्स दोस्तों एवरीवन, अब हम जा रहे हैं, जा रहे हैं और लास्ट एग्जिट गेट है।
साइकिल रखने का जगह है बाहर में ही, सड़क के किनारे मोटरसाइकिल का पार्किंग है, 20 रुपया लगता है पार्किंग का। आप सब अगर मिथिला हाट आ रहे हैं तो सकरी से सीधे सीधे आइएगा, जहाँ मिथिला हाट होता है वहाँ पर, वहीं पर सड़क के किनारे दो बोर्ड लगा हुआ है, आप सब दिखा देते हैं, ऐसा अलग बोर्ड लगा रहता है। हम भी आए थे तो यहाँ पर हम आगे चले गए थे गाड़ी से, तो आप सब आइएगा तो ध्यान से आइएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए वहाँ मिथिला हाट का बोर्ड लगा हुआ है, और उधर से आइएगा तो दायां तरफ जो है पड़ता है इसका इंटर, आगे का देख लीजिए, आगे का ऐसे है, आगे मिथिला हाट लिखा हुआ है ऊपर में, ये रोड के किनारे ही है, आप सब बतलाइएगा नहीं, और आराम से आइएगा, आराम से जाइएगा, सैर कीजिएगा। मैम तुम ही सब सीरियस हो गया, इसका हालत पंचर हो गया है, इतना धूप है कि माथा उथा सब दर्द हो रहा है। ठीक है, आप घर जाने के बाद बात करते हैं। मगर सच में यहाँ से देखो तो कितना सुंदर लग रहा है, बड़ी सुंदर मगर लग रहा है यहाँ का लोकेशन, यहाँ से देखने में तो एकदम ज़्यादा ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है।